चलो दोस्तों, आज बनाएंगे एग सलाद विद मिक्स लिपी। उसके लिए हम सबसे पहले ड्रेसिंग तैयार करेंगे। एक बॉल में डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट, ऐड करेंगे ऊपर से लेमन जूस, साथ में डालेंगे थोड़ा क्रश पेपर, काली मिर्ची बारीक कुटा हुआ डालना है, और थोड़ा सा नमक के साथ में वाइट पेपर, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल यूज करेंगे और मिक्स कर देंगे हमारी ड्रेसिंग को अच्छे से। इस तरह से मिक्स करना है। मिक्स हो गया है, ऊपर से डालेंगे हम गार्निश में थोड़ा सा पार्सली चॉप बारीक कटा हुआ एकदम। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा हनी। हनी डालने के बाद जो मस्टर्ड का कड़वापन रहता है वो थोड़ा दूर हो जाएगा। अब सलाद रेडी करेंगे। एक मिक्सिंग बॉल लेंगे, उसमें मिक्स लेटुस डालेंगे। मैंने अरागोला लिया है, रोमन लेटुस और आइसबर्ग लिया है। इसको ऐसे हाथ से ही तोड़ना है, चाकू यूज नहीं करना है लेटुस पे हमारे। और ऑयल डाल के थोड़ा सा सीजनिंग करेंगे, सॉल्ट और थोड़ा सा वाइट पेपर डाल के मिक्स करना है हल्के हाथों से। और उन्हीं हल्के हाथों से प्लेट में अरेंज करेंगे एकदम मिडिल में। प्रेस नहीं करना है, दबाना नहीं है लेटुस को। अब हम उसके लिए वेजिटेबल तैयार करेंगे। तीनों कैप्सिकम लेंगे, हरा पीला लाल और बारीक कटा हुआ रेड कैप्सिकम। जो ड्रेसिंग हमने रेडी की थी वेजिटेबल के ऊपर डालेंगे और ऐसे ही अच्छे से मिक्स करना है इसको। अब हल्के हाथों से भी इसको भी मिक्स करेंगे, ये देखिए इस तरह। अब ये ड्रेसिंग लग गया है वेजिटेबल को, और लेटुस के ऊपर अच्छे से रखना है। ध्यान रखिए, इसको भी प्रेस नहीं करना है। सलाद कभी भी प्रेस में नहीं रखना चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए, हल्का ही होना चाहिए सलाद का प्रेशर। अब जो हमारे बॉयल एग थे इनको बॉयल करके मैंने 4 पीस किए हैं, और जो ड्रेसिंग है हल्का ड्रेसिंग इनके ऊपर लगा देंगे, जिससे सलाद खाते टाइम ड्रेसिंग का फ्लेवर अंडे के साथ में हमें मिल जाए। और थोड़ा सा पार्सली चॉप डालूंगा, हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। अब इसको सजाएंगे सलाद के साथ में, साइड बाय साइड मिडिल में। आप जिस तरह से खाना चाहें वैसे ही रख सकते हैं, फिलहाल हम ऐसे रखेंगे। अभी आप देखिए हमारा सलाद ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। ऑलमोस्ट क्या, रेडी हो ही गया है। इसके ऊपर से गार्निश में डालेंगे हम थोड़ा सा पार्सली चॉप और स्प्रिंग रख देंगे पार्सली का। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और घर पे अपने ट्राई जरूर कीजिएगा। थैंक यू।